गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छा होंगे। गाइस मैं यहाँ चंबा आया हूँ बनीखेत में पोल टैक करने के लिए, और हाँ नीचे आए हुए हैं घूमने के लिए। देख सकते हैं कितना यहाँ पर अच्छा व्यू आता है, और यहाँ पर पूरी मतलब सड़क यहाँ पर धूरी से भर चुकी है। मैं आगे का नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं आगे का कुछ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ नीचे भी नहीं दिख रहा। यहाँ घूमने आए हुए हैं, मेरे साथ मेरे भाई है, मतलब जो मैं वहाँ पीजी लिया उसके साथ ही है इसका घर, ये मेरे साथ चला हुआ है। देख सकते हैं भाई साहब, गाइस यहाँ पर बहुत गाइस हम जा रहे थे वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी थी, यहाँ पर ठंड है तो यहाँ बहुत मज़ा आया रहने के लिए। और मैं पोल टैक कर रहा हूँ यहाँ बनीखेत में, तो यहाँ घूमने के लिए आ रहा हूँ, और आपको जल्दी ही यहाँ का ब्लॉग बना के दूँगा, डलहौजी का, बनीखेत का, खजियार का, क्योंकि जब हम छुट्टियाँ पड़ेंगी हम घूमने जाएँगे वहाँ, तो वहाँ का ब्लॉग जल्दी आ जाएगा। वो गाइस इतने दिनों के बाद ब्लॉग आया, वो कॉलेज के पीछे थोड़ा सा ये था कि यहाँ थोड़ा आना था, इसलिए एडमिशन लिए आ रहे थे पहले, तो तब टाइम लगा, अब शिफ्टिंग की है तो इसलिए टाइम लगा, तो इसलिए ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी दूरी है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा गाइस यहाँ पर। हम यहाँ आए घूमने, तो भाई ने यहाँ पर हम बुके लेने आए थे कॉलेज के लिए, तो मैम ने बोला था को बुके ले लेना नहीं, तो इसलिए बुके लेने आए थे। और आगे आगे हम घूमने के लिए बोला, आगे आया घूमने के लिए जगह, तो मैं और ये आदित्य नाम है इसका भाई, अपनी पीछे जा रहा है, उसका नाम आदित्य है, तो हम आदित्य के साथ घूमने आए हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, देख सकते हैं टूरिस्ट प्लेस, घूमने का नहीं है मतलब है ही यहाँ पर, तो टूरिस्ट प्लेस का भी डलहौजी है, खजियार हो गया, और यहाँ माता के मंदिर भी गए, वो भी बताऊँगा आपको। पर अभी छुट्टियाँ पड़ेंगी तभी, क्योंकि पोल टैक कर रहा हूँ तो पढ़ना तो पड़ेगा, अब ब्लॉग से ब्लॉग बनाएंगे तो कुछ मनेगा तो नहीं, इसलिए गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।